हेलो फ्रेंड्स, अमित कुमार डायरीज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं इस वक्त देश के अंतिम रेलवे स्टेशन में। जी हां, इंडिया का लास्ट स्टेशन साउथ डायरेक्शन में सदर्न मोस्ट है कन्याकुमारी, और हम हैं इस वक्त कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन में। ये बहुत ही मेरे जैसे ट्रेन प्रेमी के लिए बहुत ही एक्साइटमेंट की बात है कि मैं एक आखिरी रेलवे स्टेशन में हूँ। या और साउथ से बात करें तो साउथ साइड से ये पहला रेलवे स्टेशन है तो हम जर्नी करने वाले हैं। एक्चुअली ये मेरी कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन से पहली जर्नी होगी, तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ। और हम जा रहे हैं वर्कला, जो कि एक बीच प्लेस है, बहुत ही शानदार जगह है। तो आज के इस ब्लॉग में हमारी कन्याकुमारी से वर्कला की ट्रेन जर्नी रहेगी, और आइए आपको कन्याकुमारी स्टेशन के बारे में भी कुछ बातें बताते हैं। तो हमारी ट्रेन आ रही है 3 नंबर प्लेटफॉर्म में, तो चलते हैं 3 नंबर की ओर। इसमें कुल मैं देख पा रहा हूँ तो 4 प्लेटफॉर्म है, और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आने वाली है हिमसागर एक्सप्रेस, जो कि कन्याकुमारी से जम्मू तवी क्या, अब तो माँ वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन तक चलने लगी है, और वो थोड़ी देर बाद आने वाली है। तो वो आएगी तो हम आपको दिखाएंगे। और आपको बताऊं कि हिमसागर एक्सप्रेस के नाम कई सालों तक रिकॉर्ड रहा है इंडिया की सबसे ज़्यादा दूरी तय करने वाली ट्रेन का। हालांकि अब नहीं है, अब विवेक एक्सप्रेस हो गई है, जो कि डिब्रूगढ़ से चलती है और कन्याकुमारी तक आती है। हिमसागर एक्सप्रेस आने वाली है तो यहाँ पर पेंट्री कार लगेगी, और देखिए पेंट्री कार के लिए कितना सारा सामान ये लोग लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि 3 दिन का सफ़र है। तो ये मैं हूँ फर्स्ट टाइम कन्याकुमारी में। मैं कन्याकुमारी एक बार और आया था, लेकिन तब कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन नहीं आया था, और इस बार ट्रेन जर्नी हो रही है। आने में तो हम बाई रोड आए थे, लेकिन अभी हम वापस ट्रेन से जा रहे हैं, तो देश के अंतिम छोर पर खड़े हैं, तो अच्छा फील हो रहा है। और हवा भी बहुत ठंडी ठंडी चल रही है, और बादल है तो धूप भी नहीं है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप भी देख सकते हैं। कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन सदर्न रेलवे जोन का पार्ट है। कन्याकुमारी का पहले नाम कन्या था, लेकिन अंग्रेजों ने इसका नाम बदल कर दिया केप कॉमरिन, इसलिए इस स्टेशन का नाम भी पड़ गया केप कॉमरिन रेलवे स्टेशन। आज भी आप देखेंगे कन्याकुमारी का जो स्टेशन कोड है, शॉर्ट नेम होता है, वो है केप, CAPE। लेकिन बाद में जब देश आज़ाद हुआ तो इसका नाम बदल करके कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन कर दिया गया। और हमारी ट्रेन चल चुकी है कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन से। हिमसागर एक्सप्रेस लग गई है, और 15 मिनट बाद ये भी यहाँ से चलेगी। कन्याकुमारी से ट्रेन चलने के बाद में 17 किलोमीटर ट्रेन चली है, और पहला स्टॉपेज आ गया है नागरकोइल। नागरकोइल कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है। कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला शहर है नागरकोइल, तो यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉपेज है। नागरकोइल से कुछ लोग ट्रेन में चढ़े हैं, लेकिन अभी भी ट्रेन लगभग पूरी खाली है, और हमारे आसपास तो सिर्फ हम ही लोग हैं, तो खाली ट्रेन का पूरा
पूरा लाभ उठाते हुए पैर लंबे कर लिए जाएं और थोड़ा एक अच्छी सी नींद ले ली जाए, और थकान भी है, नींद भी आ रही है, तो मिलते हैं आपसे जगने के बाद। ट्रेन में जम करके सो गए, खाली ट्रेन थी, 2 घंटे के लिए सोए। वर्कला स्टेशन जब आया तभी जगे और ताबड़तोड़ उतरे और ऑटो पकड़ करके सीधे भागते हुए आ गए हैं। रूम चेक इन मारा है, आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा रूम। छोटा सा होम स्टे है ये, जैसे कि यहाँ के गार्डन है, और ओनली 2 फ्लोर हैं, ग्राउंड फ्लोर नंबर फर्स्ट फ्लोर। और ये है हमारा वर्कला के लिए रूम, ओल्ड प्रॉपर्टी है बट अच्छा है। और सबसे बड़ी बात, हमने इस रूम को इसलिए बुक किया क्योंकि यहाँ से 100 मीटर पर ही ओनली बीच है। फ्रेश होने के बाद अब चलते हैं बीच साइड। वैसे तो अंधेरा हो गया होगा, अंधेरा हो ही गया है, लेकिन चलते हैं और वहाँ थोड़ा जल्दी से डिनर कर लेंगे का? तो चलते हैं, देखते हैं बीच में क्या एक्टिविटीज हो रही है। हेलो, साइड में एक्चुअली बीच यहाँ से नीचे है, 200 फीट होगा, और ये ऊपर क्लिफ साइट है और ये बहुत हाइट में है, और इसलिए हाइट में है इसलिए यहाँ से सनसेट तो कल आपको मैं मस्त दिखाने वाला हूँ। जैसा मैंने आपको कोवलम में दिखाया था, रेस्तरा के बाहर ये लोग आइस में सी फूड रख देते हैं और आप पसंद करते हैं, सेम वही चीज़ यहाँ पर भी रखी हुई है। और अगर आपने कोवलम वाला बीच नहीं देखा है तो आप कोवलम वाला मेरा व्लॉग चेकआउट कर सकते हैं। किसी भी शॉप पर नज़र डालिए, रेस्तरा में नज़र डालिए, गैलरी में नज़र डालिए, सिर्फ और सिर्फ फॉरेनर दिख रहे हैं, इंडियन को ढूंढना मुश्किल हो रहा है, लग ही नहीं रहा है कि इंडिया में है। और यहाँ से जो मार्केट स्टार्ट होता है उसका नाम है तिब्बतियन मार्केट। हेलो, हाय, वेलकम टू वर्कला। तो मार्केट का एक चक्कर लगाने के बाद में अब नीचे हम बीच पर जा रहे हैं, और यहाँ स्टेयर्स हैं, थोड़ा सा अंधेरा है शायद, तो बीच में पहुँच करके मिलते हैं। और ये वर्कला बीच लगभग खाली हो गया है, 10-20 लोग ही हैं और 2-3 लोग नहा रहे हैं, और अभी यहाँ ज़्यादा कुछ करने के लिए है नहीं, तो अभी हम कैमरा डाउन करके सिर्फ यहाँ पर वॉक करेंगे और इसके बाद आपसे मिलते हैं डिनर पर। और अब हम आ गए हैं डिनर के लिए, और डिनर के लिए हम जिस रेस्टोरेंट में आए हैं ये ओनली वेज रेस्टोरेंट है, और यहाँ पर कोई भी नॉन वेज नहीं मिलता है। और ये पूरे वर्कला में कहते हैं कि इकलौता ये रेस्टोरेंट है जो सिर्फ वेज देता है। हालांकि मैं तो ऐसी जगह खा लेता हूँ जहाँ वेज और नॉन वेज दोनों मिलता है, बट फिर भी यहाँ पर आ गए हैं हम देखने के लिए। डिनर करने के बाद में मैं गया स्कूटी रेंट पर लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर शॉप्स 9 बजे ही खुलती हैं जो स्कूटी रेंट पर लेती हैं या दूसरी भी, तो मैंने अभी जाकर के स्कूटी रेंट पर ले ली है क्योंकि सुबह 6-7 बजे हम निकल जाएंगे। कहाँ निकलेंगे वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और अपनों के बीच में इसको शेयर करिए वीडियो को। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अमित कुमार डायरीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जब आप बेल आइकन दबा देंगे तो उसके बाद से जितने भी अगले मेरे वीडियोज़ होंगे आपको नोटिफिकेशन आएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल, और वर्कला और आसपास की जगह घूमेंगे। तो ये है मेरी स्कूटी और ये है मेरा कब्बू। कब्बू से बाय बाय, गुड नाइट, जय माता की। ओके, बाय बाय, जय माता की।